बड़ी खबर आ रही है डूंगरपुर से, जब विधायक की बेटी की कार पर अज्ञात बदमाशों ने किया हमला, पत्थरों व लाठी से कार का शीशा तोड़ा। सागावाड़ा विधायक राम प्रसाद डिडोर की बेटी की कार पर अज्ञात बदमाशों ने हमला किया। बदमाशों ने लट पत्थरों से हमला कर कार का शीशा फोड़ दिया। घटना बुधवार देर रात दम्बोला थाना क्षेत्र के कदोरिया गांव के निकट झाड़ियों छुपकर बैठे 7 से 8 बदमाशों कदोरिया से सीमलवाड़ा अपने घर लौट रही सागावाड़ा विधायक राम प्रसाद डिंडोर की बेटी आशा डामोर पर कार पर 7 से 8 हथियारबंद लोगों ने झाड़ियों में निकल कर कार पर हमला बोल दिया, जिसमें कार के आगे का हिस्सा कांच टूट गया। पीड़ित ने कार को तेज भगाते हुए दुकान के पास जाकर रोक कर घटना की जानकारी दुकानदार ग्रामीण पदम्बा होला पुलिस को सूचना दी। सूचना पर मौके पर दम्बोला पुलिस ने पहुँच कर घटनास्थल के आसपास के इलाकों को बदमाशों की तलाश की, मगर पुलिस को सफलता नहीं मिली। मैं आशा डामोर, पूर्व जिला परिषद। मैं कोदरिया से सिमलवाड़ा के लिए आ रही थी और मेरे बच्चे अकेले थे और रास्ते में मैं आ रही थी, उस समय 8-10 लोग थे और वो क्या झाड़ियों में छुपे हुए थे। इसके बाद में वो रोड पे आने की कोशिश कर रहे थे तो मैंने मेरी गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी और 2 जगह पे वो खड़े थे और मेरी गाड़ी पे पत्थर और हमला कर दिया। उसका गाड़ी का कांच टूट गया। इसके बाद में फिर मैं आगे आके रोकने के बाद में फिर पुलिस को बुलाई, मौके पे गए हम लोग और वहाँ पे उस समय नहीं थे। और मैं पुलिस प्रशासन से यही कहना चाहती हूँ कि आप इन लोगों के आए दिन ऐसी वारदातें होती रहती है, लूटपाट मारपीट ये ज्यादा ही कुछ बढ़ रहा है, तो इन पे सख्त